एक्सीडेंट के दौरान सड़क एक दुर्घटना में मौत हुई है और एक बुलेट वाले ने उसको टक्कर मारी है। रायसेन जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बेगमगंज क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। बेगमगंज से सुल्तानगंज निर्माणाधीन मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसी एक घटना बेगमगंज सुल्तानगंज रोड पर दोपहर करीब 12 बजे सामने आई, जहां बुलेट TVS बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें TVS बाइक चालक की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा व्यक्ति घायल हो गया। घटना को फौरन बाद बुलेट चालक, जिस पर एक युवक और एक महिला बैठी हुई थी, बुलेट लेकर भाग गए। आपको बता दें कि ग्राम मोदकपुर निवासी हल्लू ठाकुर आदिवासी पिता हनुमत सिंह ठाकुर उम्र 26 साल अपने ही गांव के ओमकार आदिवासी के साथ बेगमगंज जा रहे थे। जैसे ही मोदकपुर तिगट्टा के आगे बढ़े ही थे कि बेगमगंज से एक तेज रफ्तार आ रही बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक MP15NE1082 जो सागर की बताई जा रही थी, आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें हल्लू आदिवासी और ओमकार आदिवासी घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने हल्लू आदिवासी को मृत घोषित कर दिया। ओमकार आदिवासी का उपचार कर भर्ती कर लिया गया है। PM रिपोर्ट में डॉक्टर जितेन तोमर ने बताया कि मृतक के सीने में अंदरूनी चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। घायल एवं मृत दोनों नशे में थे। सूचना पर पुलिस बेगमगंज ने आवश्यक कार्रवाई उपरांत मृत का PM कराकर सब परिजनों को सौंप दिया और बुलेट चालक का पता लगाया जा रहा है। आज है सुल्तानगंज जो बेगमगंज जो नया रोड बन रहा है, वहाँ पर अपने मोदकपुर से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिसमें जो मोटरसाइकिल चालक है हल्लू, उसकी एक्सीडेंट के दौरान सड़क एक दुर्घटना में मौत हुई है और एक बुलेट वाले ने उसको टक्कर मारी है, ऐसा पता चला है। अभी प्रारंभिक कार्रवाई कर रहा हूँ, बाकी फिर जाँच के बाद बताऊँगा।